છેલ્લે રાખીએ તો પછી છેલ્લે રાખીએ ખરેડી જયદીપસિંહ જાડેજા હોય તો અહીંયા આ બાજુ પધાર પ્લીઝ ખાંડા સ્ટેટ પરિહાર ખાંડા સ્ટેટ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ વેલકમ મહિપાલસિંહ મકરાણા જય રાજપૂતાના જય રાજપૂતાના જય ભવાની જય ભવાની મહારાણા પ્રતાપ એકી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ એકી ઝાલામાન એકી જય ગુજરાત કહેતે ના ભાઈ લોકો ચૂપ ઉજાવો તો મેં બોલું કઈ એક શબ્દ હૈ કિસી કી લાઈન યાદ આ ગઈ મુજે ઓર ઇસસે ભારત ભૂમિ કા બડા રાજનીતિક ચંદ્રશેખર ઉન્હોને એક બાર પાર્લિયામેન્ટ મેં બોલા થા કે જિન હાથો મેં શક્તિ ભરી હૈ જિન હાથો મેં શક્તિ ભરી હૈ રાજ તિલક કરણે કી જિન હાથો મેં શક્તિ ભરી હૈ રાજ તિલક કરણે કી ઉન્હી હાથો મેં તાકત હૈ સર ઉતાર લેને કી હમારી ઉપસ્થિતિ કિતની હૈ બતાઉં ક્યા એક બાર યે લાઇટે બંધ કરના ભાઈ ઓર જિનકે હાથ મેં મોબાઈલ હૈ એક બાર ટોર્ચ ચાલુ કર લો સબ સબ ટોર્ચ ચાલુ કરો ઓર યે જો ખંભે પે લાઇટ હૈ વો બંધ કરના ભાઈ એક બાર જય રાજપૂતાના જય રાજપૂતાના જય રાજપૂતાના હલો ભાઈ લાઇટ વાળા જય ભવાની લાઇટ બંધ કર દે જય ભવાની લાઇટ બંધ કર દેવા વિનંતી એક સેકન્ડ જય ભવાની રાજપૂત એકતા રાજપૂત એકતા હમારી એકતા હમારી એકતા જય ભવાની જય ભવાની જય રાજપૂતાના જય રાજપૂતાના લાઇટ ચાલુ કરવા વિનંતી આજુબાજુમાં સૂત્રોચ્ચાર ન થાય તો કાર્યક્રમ આગળ ચાલુ રાખીશું નહીં તો રૂપાલા 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 હાય હાય નહીં બાય બાય રૂપાલા 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 અબ હાય હાય કી જરૂરત નહીં ઉસકો અબ તો બાય બાય કી જરૂરત હૈ ઓર ધન્યવાદ હૈ ઉસકો धन्यवाद है उसको जो काम पिछले 70-75-80 सालों में राजपूत समाज की बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं कर पाई उस पागल ने एक शब्द में कर दिया और उसका धन्यवाद है 5 साल उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है घर बैठ मजा कर घर पे बैठ के मजा कर तूने जो काम किया है हमारे लिए जो जबरदस्त एकता की जो ये लहर आई है मैं सही बता रहा हूं 18 साल हो गए करणी सेना में दिन रात सुबह शाम और हर दिन समाज की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग पर जो उसको मालूम नहीं कि राजपूत को क्या पसंद नहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे टिप्पणी करी एक मिनट में ये लाखों की संख्या में हर घर से भी न बुलाई राजपूत आए ऐसा ही एक परिदृश्य 2015-16 में आपने देखा होगा एक भंसाली नाम का प्राणी था एक लंगूर था ना एक बहुत मना किया मेरी बहन बेटी पे बात मत कर यार बहुत मना किया बहन बेटी पे बात मत कर
और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ बताओ एक बार, थप्पड़ पड़ा क्या? लाइट वाला ने विनंती, लाइट चालू करे। हम तो केवल ये बोलना चाह रहे हैं, जब जब बहन बेटी की इज्जत पे आप बात आएगी, हमारी माता बहन बेटी के सम्मान की बात आएगी, जिस कोख से जन्म लिया है उस कोख को ले जाएंगे नहीं, बकायदा उसका उत्तर देंगे। हमारी बहन बेटी, हमारी माँ के दूध का कर्ज चुकाने का समय है, एक साथ पूरे देश को, है कि नहीं, है कि नहीं? मेरी बहनों द्वारा मैं एक केवल एक दो शब्दों का विनती करना चाह रहा हूं। एक आपको एक शपथ लेनी है, शपथ नहीं, एक यहां से आवाज लगानी है मेरे पूरे देश के भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए, कि मेरे भाइयों, बात गुजरात की बहन बेटी की नहीं है, बात पूरे देश के उस शत्रानी की है जिन्होंने सेनानी के तौर पर अपने सर काट के दे दिए। हम वो शत्रानी, आप वो शत्रानी है जिन्होंने जोहर कर लिया, चुंडावत मांगा सेनानी, सिर काट दे दियो हाडा रानी, आप वो शत्रानी है। आप केवल एक एक आपकी तरफ से एक निवेदन करिए, और मैं आपके द्वारा जो बोला गया है, मैं आपके शब्द में जो बोलूंगा ये आपको उच्चारण करना है, केवल हाथ आगे करके बोलिए ऊपर करके, कि मेरे देश के भाइयों, मेरे देश के क्षत्रिय बंधुओं, जाग जाओ और जहां हो वहां जवाब दो। हर राज्य से मेरे लिए आवाज आनी चाहिए, आपकी शत्रानियों के लिए, आपकी बहन बेटियों के लिए आवाज उठनी चाहिए। हम आपसे यही विनती करते हैं, यही आस रखते हैं। विनती आपसे नहीं करवाएंगे, आपको उम्मीद होनी चाहिए हमसे। विनती तो वो करे जिन्होंने कुछ नहीं दिया इस देश को, आप लोग तो हम सब कुछ देने वाले। मुझे बोला गया बार बार, मैं कोई हेट स्पीच नहीं देता भाई, कहीं मैं कोई ऐसी स्पीच नहीं देता जिससे कोई उपद्रव फैले। मेरा समाज का युवा उस पर मुकदमे नहीं लग जाए। हमेशा काली साहब बोलते थे कि अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करना किसी का। ये बुरा करने में नहीं आया हूं किसी का, मैं मेरे आप को झोंक दूंगा, मैं खुद को जो प्रशासन मेरे पिछले 7-8 दिन से पीछे पड़ा है उनको अगर लगता है कि महिपाल सिंह की आहुति देने से ये जो ज्वाला है ये बुझ जाएगी, तो मैं अभी समर्पित करने को तैयार हूं। कहां लेके जाना, चलो मैं चलता हूं। मेरे ननियाल का, मेरे मामा के गांव का नाम क्या आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है ये क्या? दक्षिण गुजरात। आपको मालूम है मेरे मामा के गांव का नाम, मेरी माँ के गांव का नाम क्या है? मेरा ननियाल कौन सा? नांदेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहां पे? नांदेरा, रतनपुरा, मोसल, ननियाल, हमारे ननियाल बोलते, नांदेरा बोलते। मामा का गांव, मेरी माँ का गांव कौन सा है? रतनपुरा। इस गांव का नाम क्या है? वो रतनपुर, रतनपुरा एक ही बात है तो रतनपुर। आपका क्या लगता हूं, यहां का क्या लगता हूं? मुझे पुलिस ढूंढ रही थी रोड पे, मैं मेरे ननियाल में आया हूं भाई, मैं तो गली गली जानता हूं, तुम कहां पकड़ोगे मेरे को? हर गाड़ी में मेरे भाई पुलिस वाले हर गाड़ी में अपने आप को डाल डाल के देख रहे थे, कहा महिपाल सिंह, महिपाल सिंह कोई बकरी का बच्चा है कि जो अंदर छुपा हुआ है? महिपाल सिंह तो इतना बड़ा दिखेगा, 108 किलो वजन है, 6 फुट हाइट है, कोई कोने में थोड़ी दशा मिलूंगा तुझको, आगे दिखूंगा।
और अगर रात बिरात दर्शन हो गए तो डर भी जाओगे, ये सही बता रहा हूँ। मेरा कोई अच्छा खासा कोई चॉकलेटी मुंह नहीं है, मेरा तो क्षत्रिय लुक है, लंबी लंबी दाढ़ी है, भगवती कृपा से आवाज में इतनी दम है कि अगर माइक नहीं हो तो बिना माइक के पूरी सभा को संबोधित करना मेरे खून में। मुझे प्रशासन से कोई बेर नहीं है मेरे भाई, क्यों लाड़ पड़े रहो भाई, सात आठ दिन आऊं यहाँ लाड़ पड़ मिला जाने कोई उग्रवादी आएगी वह गाँव में और भी कर ले रुझावे नहीं की कट गयो अरे कट गए ठीक है कटे कौन जाऊं मैं पुलिस प्रशासन से बोलना चाह रहा हूँ, ज्यादातर उसमें क्षत्रिय बंधु है, आप रात की नींद खराब मत करो, मैं तो यहाँ से सीधा गाँव जाऊंगा और ये भाई लोग जो यहाँ है वही काफी है तुम्हारे लिए, इनको रोक के दिखा देना मान जाऊंगा कौन रोक रहा है इनको। देखो देखो कौन आए, देखो देखो कौन आए, मैं अकेलो ही शेर थोड़ी हूं, मैं शेर हूं तो थे ही शेर ही हो, आप भी शेर ही हो, अगर मैं शेर हूं आपका भाई तो शेरों का भाई शेर ही होते हैं, बकरी थोड़ी होती है। आप सब लोगों से विनती है